गुड मॉर्निंग छवि, पैर कौन छुएगा? सबू मैं छू, मामा के पैर कौन छुएगा? चाचा जी भी आ गए थे। प्रणाम, आपसे प्यार नहीं है उसे। और ये देखो दोनों हाथ उसके घिरे हुए, कहां पड़ा? क्या भैया सुबह सुबह कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें बाइक में बैठ के ऊपर? और यहाँ देखो होने लग गया फुल सेटअप, भैया लोग आ गए, खाना बनना चालू। और यह 12 नंबर मैसी का नंबर है, ये मेरा अपना पर्सनल नंबर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे क्या कर रहे हो आज? सारा व्यवस्था आप ही देख रहे हो क्या? यार नहीं देख रहा था। अड़ी अड़ी बना के बाल बाल कटा के क्या बात? बोले के ताऊ है भाई। अगर सब लंबी है तो ऐसा ही करना है यार, नीचे तक ना पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, लंबी को ऐसे ही करा जाएगा। नीचे मेरी शादी है, बिल्कुल एकदम रक्षक लगना चाहिए। ये देखिए दूल्हे राजा यहाँ खुद फील्ड में उतर आए, जैसे मोदी जी उतर आते हैं। ऊपर चल रहा लाइटनिंग का काम। हम नहीं सोना चाहिए ना, तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। सबको पानी पिलाऊंगा, रसना पिलाऊंगा, ठीक है? तुम लोग ले को मतलब अपनी अपनी शादी में मतलब कुछ होना चाहिए अलग टाइप का, क्यों होना चाहिए? गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और दिन है आज 1 मई और तैयारी है यहाँ पे फुल। आपने देखा होगा कि लोग पहले कपड़े वगैरह धोते हैं, सब कुछ होते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं। लेकिन ये देखिए यहाँ बिल्कुल रेडी, मेकअप सेकअप सब हो चुका है और कपड़े धुल रहे हैं लास्ट में। नहीं, धूल पहले गए थे, सूख कपड़े। अच्छा अच्छा, बाल्टी बहुत भारी होती है, उठाई नहीं जाती। और आप तो उठाओगे है नहीं? क्या बात है। तो ये और ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि एक देवर की शादी हुई है खत्म और दूसरे देवर की शादी है। और वो देखो तीसरा देवर बिल्कुल रेडी है शादी करने के लिए। ये तीसरा देवर बिल्कुल रेडी है। और अभी ऊपर माला लगाने का चल रहा है काम। तो जो मजा आ रहा है ना आजकल, मतलब क्या ही बताऊं। एक पहले बहन की शादी, फिर देवर की शादी, फिर दूसरे देवर की शादी। वाह, हम मैं सोच रही फिर हम शादी कर ले एक बार। और दिमाग खराब है क्या? सही बात है, इंसान गलती एक बार करता है। और क्या, टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट चलता नहीं, वरना मैं तो वापस जाके जिस दिन बात हो गई, हाँ गई थी, मना करके वापस दोबारा से सुखी जिंदगी में वापस चले जाता है। सिमरन को हाँ बोल देता ना। हाँ मैं बोलता ही नहीं किसी को। तुमने ज्यादा परेशान कर रखा, थोड़ा तो वो भी करती, इसलिए परेशान होने का अपना कोई विचार नहीं है आजकल। आपका ये मत समझिए कि सौरभ जोशी की शादी है, हमारे पास भी एक सौरभ जोशी है जिसकी शादी है, जो मेरे देवर है। तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं यहाँ क्योंकि इनने पिछली 2 शादी में इतनी वसूली कर ली है, जोरियां जो अपनी पूरा चकाचक भर दी है। तो अब आपको भी कुछ चाहिए उसमें से बता दो। तो इसलिए मुझे मार्केट ले जाना शाम को, एक तो मेहंदी लगवानी। यहाँ पे सौरभ भैया ने बोला मेहंदी नहीं हो पाई, तो कितनी मेहंदी लगाती है? अरे भैया सौरभ भैया का डिम्बो है बिल्कुल, यहाँ पे लिखना है दूल्हे की भौजाई, तो बस थोड़ी सी लगाऊंगी इस बार, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा फिर मेहंदी हटती तो दुख होता है बहुत, धक 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 धक। और ये हरी चटनी और ये है मीठी चटनी। और ये देखो चटनी देख के मुंह पे आ रहा पानी। प्लेट लाया हमने लिया है, दिखाओ ये देखिए भैया थाली के साथ इंतजार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आदमी है ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आदमी अपना अंतर्राष्ट्रीय थाली लेके अंतर्राष्ट्रीय ब्रेड पकौड़े का कर रहे हैं वेट। नाश्ता बस कर रहे हैं नाश्ता, आपने कर लिया? हाँ मैंने नहीं करा, मैं सबको खिलाऊं। हाँ मैंने नहीं करा। गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो यहाँ से? क्या देख रहे हो? है नजारा, ये लड़की यहाँ से नजारा देख रही है जाली से। ये देखो उमदा भी बच चुके हैं यहाँ पे, इतना काम करोगे बस करो बस। और ये देखिए ये लाइटिंग वाले अभी तक काम करे, काफी मेहनत कर दी आज। ये हो गया नाश्ता चालू, ये पकड़ लिया भैया खाते हुए लोगों को। ये देखो ये बस सुबह हुई नहीं, सीधे उठ के आ रही है अभी। आइए 6 बजे उठ के ट्यूशन पढ़ा के सारा काम करके अब फ्री होगी। खाए जल्दी जल्दी खाए। रोटी खा रहे, ब्रेड पकौड़े नहीं खाया हमने, चटनी तो खा रहे हो? अरे ब्रेड पकौड़े भी लपेटा पहले। अबे नाश्ता वास्ता लगभग निपट चुका है, सब लोग खा चुके हैं। कुछ नहीं निपटा है, अभी मेरा रखा है वहाँ पर। जेठ जी बोलेंगे तब खाओगी? अरे जेठ जी बोल दो इन्हें, यहाँ ब्रेड पकौड़े खत्म हो गए तो देखो चाची ने ब्रेड ही मांगी वहाँ। अरे नई दुल्हन का वेलकम करो, हम तो पुराने, हमारा क्या चाहते थे। ये देखिए दूल्हे के भाई कितना काम कर रहे बेचारे आज। नेहा कितना खाओगी यार, बस करो आज। ये ब्रेड पकौड़े खा रहे, ये भात बना के हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ मस्त हैं और जबरदस्त है। ये देखिए ये दूल्हे की भाभी। अरे यार ये दूल्हे की भाभी।
200 ऊपर जो खाओगे 10 रुपए देने पड़ेंगे, आपने कहा था ये, आपने चार खा लिए हैं, चार खा लिए 10 रुपए दे दो चुपचाप पहले। वर्षा ने कहा था 2 पीस खाने, नहीं तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने नहीं, गौरव भैया ने कहा था, जिसने भी कहा था मैं 2 पीस ले रहा हूँ भैया। तो चाचा जो आपने पहले खा लिए उसका तो आपने कुछ हिसाब नहीं दिया। फाड़ के दिखाऊं? भाई आप कितने खा रहे हो? ये देखो नए नए कपल अभी एक थाली में खा रहे हैं, ये देखो ये बाद में ऐसे खाना पड़ेगा अलग अलग। खा लो यार, अभी खा लो दिन में आप लोगों के। भानु के सौरभ आते हुए, ओहो बिल्कुल, वाह वाह वाह, कितने दिन बचे भैया? मेरी भानु। हाँ भानु, आई लव यू बाबू, कैसे हो आप? एक दिन बचा हमारी शादी को, फिर आप भी यही हो। मम्मी को प्रणाम करो जल्दी, वेरी गुड, सब एक साथ, वेरी गुड। बेटा मामी को प्रणाम करो अच्छे से, छवि अच्छे से, वेरी गुड। कामकाजी भाई ऐसे होते हैं, देखो भाई की शादी में मटर छिले जा रहे हैं। घर पे आज तक कभी मटर नहीं छिले होंगे इन्होंने, क्यों भाई? घर पे मटर बनते हैं, झूठे। ये देखिए, नाश्ता करने के बाद गायब हो गए थे, सो गए थे, और फिर दोबारा खाने का टाइम जैसे वो आ गए हैं दोबारा से। कुछ अंदर से एहसास आता होगा, कुछ रोटे खड़े होते होंगे स्पाइडरमैन की तरह की, कुछ है, कुछ बन रहा है, कुछ रेडी हुआ है। और ये देखिए मेहंदी के प्रोग्राम के लिए यहाँ पे तैयारियाँ होने लगी है, पत्तों की माला गछाई जा रही है। और ये दूल्हे राजा अपनी शादी बताने कितने जो खुश है, सारे काम खुद ही निपटाने में है। ये देखिए होगा एक दिन पूरा, ये दिन कैसे कटेगा, ये जो आज दिन है, मतलब इतना, इतनी शादियाँ देखी, दूल्हे का ऐसा उत्साह मैंने कहीं नहीं देखा। दिल्ली का माला है, दिल्ली का चाइनीज माला है। ये देखिए मेहमान आ गए यहाँ पे, आइए आइए वेलकम, कुछ सामान वामान पकड़े आपका। ये देखो बराबर खाना चल रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है। हो गया बढ़िया, कैसा हो रहा खाना? बढ़िया चटपटा। टाइम हो गया यहाँ पे 2:30 और खाना हो गया चालू, सब लोग ये देखिए बच्चा पार्टी यहाँ पे मस्त करके खाना निपटा रही है। खाना वाना खाने के बाद दूल्हे के साथ निकल चुके हैं हम सीधा बगिया में, क्योंकि आम के पत्ते जो है वो तोड़ने हैं। आज भले ही बगिया उजड़ जा रही है, शादी में एक पत्ता होना चाहिए बिना छेद का। और यह है बगिया, यहाँ देखो गाय वगैरह है सब बंधी हुई, और ये सब आम के पेड़ है जिनमें आज हम तबाही मचा देंगे। तरुण चढ़ेगा पेड़ों में, ये है तरुण, ये है तरुण, ये चढ़ेंगे। बाकी है पूरे फंक्शन वगैरह में आ तो मजा रहा है, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है कि हालत खराब हो जा रही है। दूल्हे की हालत ज्यादा खराब है, सही बात है। टाइम हो गया अभी 3:30, और खाना वगैरह खाने के बाद गाने वगैरह हो गए हैं चालू। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे होगा मेहंदी का प्रोग्राम, तो यहाँ पे लगेगा पूरा सेटअप, देखो रेडी है, तगत वगत आ चुका है, दरवाजा जो है सज चुका है। यहाँ पे मेहंदी की तैयारी चल रही है जोरों पे, और ये देखो दूल्हा खुद ही लगा पड़ा है, कह रहा है जब तो पूरा सेटअप नहीं हुआ तब तक काम, मेरी शादी हो रही है। जुगाड़बाज भैया, नौटंकी चाची, मेहंदी लगनी होगी चालू। मेहंदी चालू हो गई, लेकिन ये काम वाले जो है अपना बराबर काम करने में लगे हैं, इनकी वजह से हम निश्चिंत होकर मेहंदी बना पा रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। ये देखो, और ये आ गए सारे मेहमान, जीजा जी को देखो, जीजा जी हल्का, जीजा जी क्या कहना चाहोगे? हम तो कहना चाहेंगे ऑल द बेस्ट। नंबर, नाम, नंबर, फोन नंबर, हाँ। और स्पीकर यहाँ पे चल चुके हैं, धमाका धमाका तैयार है, मतलब हाँ, सब कुछ। चलो फोड़ो, फिर बम फोड़ो। फोटोग्राफी सेशन यहाँ पे हो गया चालू, और ये देखो जो हाथ में आपको दिख रहा है भानु का दूल्हा, ये है भानु का दूल्हा। नंबर आ गया फोटो खिंचाने का, ये है भाइयों का ग्रुप, देखिए ये देखिए, ये जेठ जी बन रहे हैं ये फर्स्ट वाले, और मैं हूँ परमेश्वर, परमेश्वर पति परमेश्वर। यहाँ भी भूख लग रही है, पता चल रहा है शक्ल में, लेकिन जरा हंस लो। ये मेहंदी लगाते हुए दोनों ब्लॉगर्स, ये देखिए दूल्हे का डांस, ये देखिए दूल्हे का डांस। नेहा
डीजे खुद दूल्हे ने संभाल रखा है। और कौन सा गाना चलने वाला है अभी? ये हो गया प्ले। तो यहाँ पे मेहंदी का प्रोग्राम हो चुका है खत्म, खाना पीना हो गया है, सब एकदम फटाफट। और ये देखो तूने राजा खुश सेवा में हालत हो गया है, देखो तो हमसे ही काम करवा रहे हैं यार। बताइए, यहाँ डीजे भी हम हैं और कूड़े वाले भी हम हैं, खाने वाले भी हैं और खिलाने वाले भी हैं, फोटो खिंचाने वाले भी हम। भाई कुर्सियाँ सिमट चुकी है, सब लोग जा चुके हैं, बचे हैं कुछ लोग। और ये देखो ये क्या चल रहा है, गणित। ये देखिए यहाँ चल रही है गणित, मेहंदी का फाइनल चल रहा है यहाँ पे। कल का क्या रहने वाला है प्लान? कल का बनाएंगे सुबह उठ के। ये देखिए दूल्हे स्वयं यहाँ पे, लेकिन हम कुछ थके हुए नहीं है, हम बहुत खुश हैं, हमारी शादी है, हम इसके लिए रोज ऐसी कल सुबह हमारी बारात जाने वाली है। रात के 12 बजे भी काम करूंगा, कल सुबह उठ के 6 बजे भी काम करूंगा। तो ये है सौरभ जोशी हमारे साथ, इनकी है कल बारात है, और ये है दूल्हे राजा रहने वाले कल, तो बहुत खुश है, ये बहुत ज्यादा खुश है। तो आज मेहंदी का प्लान करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल सुबह बारात के दिन। यो तो बारात में क्या खास रहने वाला है? धूम मचाएंगे। देखो जब दूल्हा खुद धूम मचाएंगे तैयार है तो हम लोग तो क्या पंटर लोग ले कुछ। तो ठीक है, मिलते हैं कल सुबह नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।